हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनुश्री एंड वेलकम बैक टू फैशन लवर चैनल तनुश्री। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फिर फ्रेंड्स, आप सब जरूर बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक इयररिंग मेकिंग वीडियो, और मैं इसको शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो पर चले जाते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इयररिंग बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों को चाहिए इस तरीके की पेपर क्लिप, साम बीट्स, ग्लू, थ्रेड एंड नीडल एंड सीजर एंड इयररिंग हुक और चार्म रिंग्स। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप एक ईयर क्लिप आप एक पेपर क्लिप को लीजिए इस तरीके से। ये देखिए पेपर क्लिप। अब हम इसको ट्रायंगल शेप पे खोलेंगे। ये देखिए मैंने इसको ट्रायंगल की शेप पे खोल दिया है। ये देखिए ट्रायंगल की शेप में हमने इसे खोल लिया है। अब हम थ्रेड की बारी है। हम थ्रेड लेंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे टू डिफरेंट कलर का थ्रेड लिया है। एक लिया है ऑरेंज और एक लिया है मरून। और मैंने यहाँ पे थ्रेड लिया है। मैं यहाँ पे थ्रेड लेने वाली हूँ 25 सेंटीमीटर थ्रेड लूँगी। 5 टाइम्स उसको इक्वल करूँगी, मतलब 25x5 टाइम आपको उसे लेना है। इस तरीके से थिकनेस बिल्कुल ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जिस जॉइंट पे ये लोग ब्रेक हुए हैं, मतलब ईयर पिन की पेपर क्लिप का जो जॉइंट है, देखिए उस जगह पे हम थोड़ा ग्लू लगा देंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाए। इस तरीके से देखिए मैंने ग्लू लगा लिया है। अब हम इसको थ्रेड से रैप करेंगे। ये देखिए मैंने थ्रेड लिया है, हम इसको थ्रेड से रैप करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। इसी तरीके से हम थ्रेड के जरिए पूरी ईयर क्लिप को रैप कर लेंगे। इसी तरीके से हम रैप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो इस तरीके से ट्रायंगल को अच्छी तरीके से थ्रेड से रैप कर लिया है और वो बिल्कुल इस तरीके से दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की, अब हम साइड पे देखिए यहाँ पे इस साइड पे और इस साइड पे थोड़ा सा ग्लू लगा ले रहे हैं। उसके बाद थ्रेड को इस तरीके से लेंगे हम, इसी तरीके से अब हम
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इस तरीके से रैप कर लिया है। अब ये जो एक्सेस थ्रेड है इसको ग्लू से हम अटैच करेंगे। पर आप थोड़ा ग्लू ऐड कर लीजिए ताकि ये जो थ्रेड है एक दूसरे के साथ अटैच रहे। इस तरीके से देखिए ये बन गया है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये जो एंड का जो ये बेस लाइन है, मतलब ये वाला, इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। अब से हाईलाइट कर देंगे। इस तरीके से हम पूरी लाइन को ही हाईलाइट कर देंगे। ये देखिए इसकी बेस लाइन को मैंने इस तरीके से बीच से हाईलाइट कर दिया है। इसको हम काट कर देंगे। ऐसे एक बार हम इसको नॉट करके लॉक कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए पेन, हमारी इयररिंग बिल्कुल रेडी है। तो फिर फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से
घर की चीजों से आप इतनी अच्छी एक इयररिंग बना सकते हैं और किसी भी ओकेशन में आप इसे पहन सकते हैं। आपकी इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, सलवार सूट, किसी भी चीज़ के साथ आप इस इयररिंग को पहन सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोग वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको क्लिक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।